अखिल भारतीय जन जागृति संघ लायन्स क्लब सोलापुर सामाजिक संस्थेतर्फे रामवाड़ी येथे मिलादुन्नबी हो विजयादशमीच्या निमित्ताने भव्य नेत्रदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते गणिभाई पठाण, शफी इनामदार, इब्राहिम जमादार व इतर मान्यवर व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। बहुत सा अच्छा मार्गदर्शन किया है डॉक्टर चौहान मैडम और सभी क्षेत्र में बैठे हुए साथी और सामने बैठे हुए मेरे भाई बहन लोग। मैं सबसे पहले सर ग्रुप के इस नाना साहब को और उनके साथी लोगों को और इब्राहिम भाई के सरजम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अल्लाह इनकी नेक ख्वाहिशात को जो है आगे बढ़ाते हुए इस काम को अंजाम देते हुए इनको ऊँची से ऊँची अच्छी से अच्छी तरक्की अदा करें और अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके मकसद को कामयाब करे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और ये काम बहुत ही सामाजिक कार्य है और ऐसे रामवाड़ी के जैसे इलाके में ये काम करना लोहे के चने के चबाने के जैसे मुताबिक है। तो अल्लाह मैं दिल से और एक बार उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको तरक्की दे अल्लाह, यही दुआ करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया साहब। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनजागृति संगठन, हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या जयंतीनिमित्त आणि विजयदशमीच्या शुभ मुहूर्तावर रामवाडी येथे पर चॅरिटेबल ट्रस्ट अखिल भारतीय जनजागृती संघटन आणि लाईन्स क्लब ऑफ सोलापूर संचलित मथुराबाई दामाणी रुग्णालय व ब्रिजमोहन पोफालिया नेत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच हाशमिया बहरुल फैज उर्दू हायस्कूलच्या सहकार्याने नेत्र शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या शिबिरात 80 रुग्णांना नेत्रोपचार करण्यात आले तसेच 15 रुग्णांचे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियासाठी त्यांना सल्ला देण्यात आला। त्यापैकी काही रुग्णांनी आपलं ऑपरेशन करून घेण्यास तयार झाले। यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा भारत सहकारी गारमेंटचे चेअरमन शफी इनामदार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अल्पसंख्याक सेल गणिभाई पठाण हे उपस्थित होते। या प्रसंगी बोलताना